हेलो ऑल स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कौन सी वो टिप्स फॉलो करके क्लास 12th के CBSE बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेम टिप्स मैंने भी फॉलो करी थी अपने एग्ज़ाम्स में और बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया था एंड माई स्कोर वॉज 95 marks आउट ऑफ 100। सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू दोज पॉइंट्स related to English subject which will help you to gain and cover more and more syllabus. तो students, अगर हम हमारे paper की बात करें तो we have 3 sections in our exam: section A, section B and section C. तो 3 sections हैं हमारे पास। section A के अंदर अगर हम बात करें students, तो reading comprehension और note making आता है। अगर मैं आपसे starting में बात करूँ जो reading comprehension है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप पुराने जो पेपर्स हैं उसको देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उनकी लैंग्वेज मीडियम आती है, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो माई स्टडी आई यूज़ टू डू, फर्स्टली मैं पहले क्या करती थी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड उनको पहले रीड कर लिया करती थी एंड आफ्टर दैट एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे ये आइडिया होता था कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आफ्टर दैट आई यूज़ टू रीड फॉर 2 or 3 minutes दोज पैसेजेस। पैसेज को एक बार गो थ्रू करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। उसके बाद आई यूज़ टू चेक ईच एंड एवरी आंसर और वो 2 बार ऐसे रीडिंग में मुझे मिल जाते थे। सो मतलब कि आप पैसेज किस तरीके से कर सकते हो, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जब आप पैसेजेस रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपसे आस्क है और आपको आंसर का भी आइडिया हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू पुट मोर टाइम इन दोज पैसेजेस। आफ्टर दैट क्या है कि नोट मेकिंग आता है। नोट मेकिंग में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आपके पास एग्ज़ाम पेपर है अपना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता था कि नोट मेकिंग में इंक्लूड करे जा सकते हैं। तो नोट मेकिंग के अंदर जो भी आपको पैराग्राफ दे रखे हैं आप पेंसिल से सारा अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ ये पॉइंट मुझे बनाने हैं और ये हमें ऐड करना है। सो मीन्स आफ्टर अंडरलाइनिंग दोज पॉइंट्स आपको पता लग जाएगा कि क्या हेडिंग बनानी है और क्या सब हेडिंग बनानी है। तो फिर बाद में क्या होगा कि जितने भी अंडरलाइंड पोर्शन है उन्हीं में से ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने होंगे नोट मेकिंग में। बात रही नोट मेकिंग की समरी की, तो वो जो समरी होती है वो उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट टाइम में क्या है आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं ए सेक्शन। एक्चुअली अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज अलग होती है एग्ज़ाम करने से रिलेटेड और हमें पता होता है कि हमें कौन से सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है। इन माई केस आई यूज़ टू स्पेंड मोर टाइम इन सेक्शन ए एंड बी। जो सेक्शन सी होता है लिटरेचर का, वो मैं ऐसा मानती थी कि मुझे अगर क्वेश्चन आंसर्स पता है, लर्न है, स्टोरी पता है एक्चुअली, तो वो मैं खुद बना लूँगी। तो फर्स्टली आई यूज़ टू कम्प्लीट सेक्शन सी। देखिए ये अपनी अपनी पर्स्पेक्टिव होते हैं, आई एम टेलिंग यू माइंड, इट मे बी हेल्प फॉर यू। तो मैं हमेशा सेक्शन सी पहले कर लिया करती थी एंड आई यूज़ टू गिव माई सेल्फ 45 minutes टू कम्प्लीट सेक्शन सी। एट दैट टाइम सेक्शन जो सी है वो 30 marks का आता था, लेकिन अगर हम 22-23 बोर्ड्स की बात करें तो जो सेक्शन सी है वो 40 marks का आता है। सो आप सेक्शन सी पहले कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती थी कि जो लर्निंग वाला पार्ट है वो मेरे दिमाग में फ्रेशली पहले हो जाएगा, तो सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन पहले कर लेते थे, बट उस समय वो 30 marks का आता था और अभी जो मार्किंग स्कीम चेंज हुई है उसके हिसाब से जो आपकी फ्लेमिंगो और विस्तार्स के जो टॉपिक है वो टोटल 40 marks के आते हैं। सो आप भी पहले कर सकते हैं सेक्शन सी, उसमें क्या होगा कि जो आपने लर्न कर रखा है पहले वो आप लिख पाएंगे, ठीक है, वो तो हमारे खुद पे डिपेंड है। तो आप सेक्शन सी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अभी से ही डेली हाफ आवर की अगर रीडिंग करेंगे, इफ़ यू डू द रीडिंग ऑफ ऑल योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेली फॉर हाफ आवर, तो क्या है कि आपको स्टोरी पता होगी एंड एट दी एंड, देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हमारा रीड करके ही बहुत इम्प्रूव होता है। रीडिंग विल मेक यू टू डू बेटर इन द सब्जेक्ट। सो
डू डेली रीडिंग. डेली रीडिंग करने से क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना पाएंगे. ठीक है, तो आपको स्टोरी पता होगी एंड इवन कुछ क्वेश्चंस हम लर्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चंस, तो वो उस समय जल्दी लिखे जा सकते हैं. तो आप 45 मिनट्स ना देकर यू कैन गिव 1 आवर और लेस देन 1 आवर 50 मिनट्स टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आपका एग्जाम में 50 मिनट्स में सेक्शन सी कंप्लीट होगा, तो आप मेंटली फ्री रह सकेंगे कि हाँ मैंने सेक्शन सी तो पहले कर लिया है. लास्ट जो बचा हुआ टाइम है, मतलब 50 मिनट्स के बाद जो आपके पास टाइम बच गया है 2 आवर्स 10 मिनट्स, तो उसके अंदर आप जो है जो फर्स्ट सेक्शन है ए एंड बी उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, रीडिंग वाला सेक्शन एज वेल एज द सेक्शन बी विच इज़ राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन स्टूडेंट्स इस बार 20 मार्क्स का आ रहा है और सेक्शन ए भी 20 आ रहा है, तो मतलब ए और बी मिलाकर 40 एंड सेक्शन सी अकेला 40 मार्क्स कैरी कर रहा है. तो अगर आपको वो अच्छे से करना है पहले, तो आप 50% मार्क्स तो अपने एग्जाम में ऐसे ही गेन कर लोगे. एंड इन केस ऑफ सेक्शन बी की अगर हम बात करें, जिसमें आपका मेजर पोर्शन राइटिंग वाला होता है, तो राइटिंग पोर्शन के अंदर आपको मेजरली क्या पता होने चाहिए, सबके लेआउट पता होने चाहिए. लाइक यू शुड नो द लेआउट ऑफ आर्टिकल्स, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट राइटिंग, जितने भी टॉपिक्स आपके आ रहे हैं आप एक अलग से छोटी नोटबुक बना सकते हैं, उस नोटबुक में सारे लेआउट को मेंशन कर सकते हैं. लेआउट मतलब फॉर्मेट. फॉर्मेट पता होगा तो एग्ज़ाम में ना फॉर्मेट प्रॉपर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग लाइंस अच्छी ऐड कर रखी है, एंडिंग लाइंस अच्छी ऐड कर रखी है, तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं. और फिर कुछ कॉमन जो टॉपिक्स होते हैं आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड, आप उनकी रीडिंग कर सकते हैं नेट से सर्च करके, या कहीं से भी कोई भी आपकी बुक है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, उनमें से पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स आप अपने अच्छे से तैयारी करिए. होप कि कुछ जो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपनी तैयारी से रिलेटेड. ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड एंड अचीव योर टारगेट्स.